हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है ममाज मैजिक पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का सूप 8 मंथ प्लस बच्चों के लिए। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो बच्चों के बहुत ही हेल्दी है। पालक का सूप बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए पालक का सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 20 से 25 पत्ते पालक के ले लें, उसे अच्छी तरह से धो लें और उसे कट कर लें। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहे तो तेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर का। घी एंड बटर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हो सके तो घी या बटर का यूज़ करें। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में जीरा डाल देंगे। मैंने बस 1 चुटकी जीरा लिया है और अच्छी तरह से उसे फूट जाने देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से फूट जाए तो उसमें मैंने यहाँ पे 1 लहसुन की कली है जिसे बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच बस कटे हुए टमाटर लिए हैं। पहले लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद जो टमाटर है उसे ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये गल ना जाए तब तक इसे भून लेंगे। उसके बाद जो कटे हुए पालक है उसे डाल देंगे। पालक को भी 2 से 3 मिनट भून लें, उसके बाद इसे ढककर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हम पकाएंगे। आप चाहे तो कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर आपको कुकर में 3 सीटी लगानी होगी। तो बस मैं यहाँ पे ये पैन को ढक रही हूँ और इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, तो देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा पालक है अच्छी तरह से पक गया है, यानी बहुत थोड़ा सा हो गया है। देखिए पालक अच्छी तरह से पक गया है, मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और मैंने 1 चम्मच यहाँ पर कटे हुए आलू है वो ले लिए हैं। आप चाहे तो 2 चम्मच भी ले सकते हो और इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो पालक का कसीलापन है वो कम हो जाएगा और बच्चे को खाने में मज़ा आएगा। तो बस ये जो पालक उसे मैंने ठंडा होने दिया है, उसके बाद ग्राइंडर जार में डालकर और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके हम इसे पीस लेंगे। अगर आप कच्चे आलू ले रहे हैं तो पहले ही डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी लिया है, इसे डाल देंगे और एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे, इसका एकदम प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते। देखिए तो मैंने इसे पीस लिया है और हमारी पालक जो बन के रेडी है। अगर बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है ये टेस्ट, तो आप इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं। वापस एक बार थोड़ा सा घी डाल के इसे फ्राई कर लें या बटर डाल के फ्राई कर लें तो बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।